दोस्तों, अगर आपने गूगल पे पर किसी को पैसा भेजा है और गूगल पे पर आपका जो ट्रांसफ़र है हुआ नहीं है और वो अटक गया है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस में चला गया है, तो आप किस तरीके से उसका कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं? आपके अकाउंट से पैसा कट गया है पर सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ है, इसके मामले में आपको कुछ कंप्लेंट करना होता है गूगल पे को, जिससे आपका पैसा फटाक से आपको रिफंड हो जाता है या सामने वाले का अकाउंट में पहुँच जाता है। आपको किस तरीके से कंप्लेंट लॉक करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे के एप्लीकेशन पर आना है और आपको इसको स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप करते ही फिर आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया है। इस पर आपका जो ट्रांजैक्शन है प्रोसेस में गया है, पेमेंट स्टार्टेड, पेमेंट प्रोसेसिंग बाय बैंक, पेमेंट टू विलास वैसन है सक्सेसफुल, पेमेंट फेल्ड, योर बैंक सर्वर वॉज बिजी, इफ़ योर मनी वॉज डेबिटेड चेक बैंक स्टेटमेंट फॉर रिफंड आफ्टर 3 डे फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। इस तरीके से आपको एरर देखने मिला। अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई यूज हैविंग इशूज़, आपको हैविंग इशूज पे क्लिक करना है, आपको पेमेंट इशू पे क्लिक करना है। पेमेंट इशू पे क्लिक करते आपको यहाँ दिख रहे हैं कि जो आपका टिकट यहाँ फाइल हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ सिंपली कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करते आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है गेट हेल्प ऑन अ रिसेंट ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ सेलेक्ट करना फर्स्ट वन, माई ट्रांजेक्शन इज बिजी, इस पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्टिल आपको नो पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो आपका ट्रांजैक्शन होगा उसका कंप्लेंट आप लॉक कर दोगे, और उसके बाद आपको जैसे ही इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपको मेल और आपको बता दिया जाएगा कि आपके गूगल पे एप्लीकेशन पे कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है या फेल हो चुका है। इस तरीके से आप कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं या टॉप पे गेट हेल्प पे क्लिक करके भी अपने इशू को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और जो भी आपका स्क्रीनशॉट भेज के उसको आप सक्सेसफुल करवा सकते हैं। यहाँ आपको और भी वीडियो देखने मिल जाएंगे, आपको वीडियो देख लेना है जहाँ से आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपका भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।